हेलो दोस्तों, लोग बैंकों में लाइन लगने से बचने के लिए एटीएम से ही अपनी ज़रूरत के पैसे निकाल लेते हैं। और एटीएम से ही संबंधित एक बड़ा ही रोचक मामला सामने आया है, जब कुछ लड़कों ने कबाड़ी से एक पुराना एटीएम मशीन खरीदा और उनकी लॉटरी लग गई। उन्हें एटीएम के अंदर से काफ़ी सारे पैसे मिले, जिसका उनको अंदाज़ा भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा। इतना ही नहीं, इस घटना का वीडियो भी शेयर किया है। दरअसल इस घटना को लड़कों ने सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक पर शेयर किया है। इंडिया टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इन लड़कों ने एक पुरानी मशीन खरीदी। इसके बाद लड़कों को मशीन के मेटल बॉक्स से $2,000 करीब 1.5 लाख रुपया मिल गए हैं। यह तब हुआ जब वे सारे मिलकर मशीन को चेक कर रहे थे और फिर अचानक उन्हें ऐसा लगा कि इसमें पैसे हैं। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि मशीन में लड़कों ने एक शख्स से खरीदी थी। हालांकि उस शख्स को शायद पता नहीं रहा होगा कि इस मशीन में इतने पैसे बचे हुए हैं, क्योंकि इस पुरानी मशीन एटीएम की चाबी का भी पता नहीं था। लड़कों ने आखिरकार निर्णय लिया कि इस मशीन को तोड़ा जाएगा। फिर लड़कों ने मेटल बॉक्स को तोड़ा और उसमें से ढेर सारा कैश निकल आया। जानकारी के मुताबिक लड़कों ने हथौड़ी, ड्रिल और अन्य टूल्स की मदद से एटीएम को खोला और वे पैसे तक पहुंच गए। रिपोर्ट के मुताबिक एक लड़के ने बताया, एटीएम का पूर्व मालिक पुराने एटीएम खरीदता रहता है और उनसे या बेचने वाला हमें बेच दिया, क्योंकि शायद यह उसके काम का नहीं रहा होगा। उसने यह भी कहा कि अगर हम लोग इसे नहीं खरीदते तो यह शायद किसी कबाड़ी को बेचा जाता। लड़के ने कहा कि अच्छा हुआ कि यह मशीन मजाक में हमने खरीद लिया, लेकिन इसे कबाड़ी के दाम पर ही खरीदा, क्योंकि यह काफ़ी पुरानी हो चुकी थी और यह काम नहीं कर रही थी। फिर हमको लगा कि एक बार चेक करना चाहिए क्या इसमें पैसे भी हैं, और हमारा शक सही साबित हो गया और हमको इतने सारे पैसे मिल गए। हालांकि रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया है कि यह मामला है कहाँ का।